हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने एंशियंट हिस्ट्री में मौर्यन पीरियड तक कवर कर लिया था, जहां पे हमने देखा था कि कैसे राजनीतिक उथल पुथल के दौर में कैसे नंदों का शासन हटता है और कैसे कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और एक बहुत ही बड़े एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और तमाम ऐसी चीजों को देखा। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये हमारा टॉपिक होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, मौर्यों के बाद का जो पीरियड है कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। खैर, स्पेशली अगर पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के जगहों की बात करें तो थोड़ा सा इतिहास धूमिल है, बट फिर भी जो सोर्सेस से हमें इसकी हिस्ट्री पता चलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन है जिसे कहते हैं रुद्र दमन का जूनागढ़ का इंक्रिप्शन, तो इसे हम कहते हैं जूनागढ़ का इंक्रिप्शन। जो कि किसका था? रुद्र दमन का। जूनागढ़ का इंक्रिप्शन रुद्र दमन का ये जो था इंक्रिप्शन था। यहां से हमें सुदर्शन लेख के सही कराने की बात पता चलती है। इसके अलावा जो है हमें पता चलती है कि भाई ओल्डेस्ट संस्कृत का ये इंक्रिप्शन था। ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड की ही कहानी है, जब जूनागढ़ का इंक्रिप्शन था उसी दौरान लिखा गया था रुद्र दमन के समय में, और ये गिरनार पर्वत जो है गुजरात में वहां पे लोकेटेड है जूनागढ़। ठीक है, गिरनार माउंटेन है गुजरात में, वहां पे लोकेटेड है। तो लिखेंगे अगला कि ये गिरनार माउंटेन गुजरात में ये लोकेटेड है, गुजरात में ये लोकेटेड है गिरनार माउंटेन। एंड इस ये जो है ओल्डेस्ट जो है संस्कृत इंक्रिप्शन माना जाता है, ये संस्कृत लैंग्वेज में है। एंड ओल्डेस्ट जो है संस्कृत इंस्क्रिप्शन माना जाता है। ठीक है, ओल्डेस्ट संस्कृत इंक्रिप्शन है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, ओल्डेस्ट संस्कृत इंक्रिप्शन भी है और ओल्डेस्ट स्पेसिमेन ऑफ संस्कृत पोएट्री स्टाइल में है ये। तो ये पोएट्री स्टाइल में है। हाँ, कैसा है ये? पोएट्री स्टाइल में। इसमें तमाम बातें लिखी गई हैं कि कैसे सुदर्शन लेख का जीर्णोद्धार किया गया, सुदर्शन लेख को कौन कौन जो है उसका जीर्णोद्धार किया, सब पता चलता है हमें। रिकंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड है हमें। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेख हमें पता चलता है, सुदर्शन लेख का हमें पता चलता है। रिकंस्ट्रक्शन जो है सुदर्शन लेख का हमें जूनागढ़ के ही इंक्रिप्शन से पता चलता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो कलिंग का एरिया था, जो कलिंग का एरिया था जिसे आज के डेट में मॉडर्न डे में उड़ीसा में रखा गया है, तो कलिंग पे जो रूलर्स थे वो कौन थे? बेसिकली चेदी डायनेस्टी वहां पे रूल करती थी और महामेघ वाहन जो थे इसके फाउंडर थे, खारवेला सबसे इंपॉर्टेंट इसके किंग थे। तो बात करेंगे हम अगला जो है वो बात कर लेते हैं कलिंग के ऊपर, रूलर्स ऑफ कलिंग के ऊपर। तो कलिंग का जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जहां पे हमने देखा था कि कैसे अशोक ने 261 बीसी में इस पे चढ़ाई करके और इसको जीता था, जिसमें काफी ज्यादा ब्लड शेड हुआ था।
खैर यहाँ पे चेदी डायनेस्टी इन जनरल रूल किया करती थी, और इसके फाउंडर जो थे कलिंग के, फाउंडर कहें तो ये फाउंडर जो थे इनका नाम था महामेघ वाहन, महा मेघ वाहन ये इसके फाउंडर थे। और जो कलिंग के राजा हुआ करते थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक था वो था खारवेला, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट डिस्कस्ड पावरफुल। और खारवेल का एक इंक्रिप्शन था जिससे हमें कलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो है हाथी गुंफा अभिलेख। हाथी गुंफा अभिलेख जो है ये खारवेल का था, और खारवेल ने इसमें बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या लड़ाइयां हुई हैं, तमाम बातें इसमें जिक्र हुआ है। तो खारवेल का हाथी गुंफा का इंक्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इसी हाथी गुंफा अभिलेख की वजह से, इंक्रिप्शन की वजह से हमें पता चलता है कि सबसे जो है स्ट्रॉन्ग शासक कलिंग पे वो यही था, खारवेल ही था। इसके अलावा ये खारवेल वाले कलिंग वाले शासक इतने स्ट्रॉन्ग थे, खासकर खारवेल ही, कि इसने जो है जो पांड्या रूलर थे उनको डंकियों के साथ जो है पूरे अपने खेत जुतवाए थे। तो ही मेड पांड्या रूलर्स रूलर्स टू प्लू फील्ड, प्लो यूजिंग डंकी, गधों के साथ आगे गधे बंधे हुए थे, पीछे ये लोग हल लेके जोत रहे थे। एंड जो ये लोग थे, ये पूरे कलिंग वाले जो शासक थे खारवेल वगैरह, दे एफिलिएटेड, और कहते हैं कि लीनिंग वाज टुवर्ड्स जैन रिलीजन, ठीक है, जैन रिलीजन की तरफ इनकी जो है लीनिंग थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म की, जो कि अगेन इसी पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप हुआ था, जिसे कहते हैं गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट, ठीक है, गांधार स्टाइल कहा जाता है। ये गांधार स्टाइल जो था ये मॉडर्न डे में जो पाकिस्तान और वो वाला रीजन है नॉर्थ वेस्ट वाला, वहां पे डेवलप हुआ था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में। और हमारे मथुरा में जो स्टाइल चल रहा था वो स्टाइल जो था वो मथुरा शैली कही जाती है। तो सबसे पहले हम गांधार स्टाइल की बात करेंगे कि किस तरीके की इसमें आर्ट एंड कल्चर, इसमें बेसिकली जो गौतम बुद्धा के चेहरे पे स्माइल लाना, उनकी ड्रैपरी को बहुत अच्छे से दिखाना, जो उनके जो उड़ते थे वो पल्लू जैसा बनता है ना, वो सब बहुत अच्छे से दिखाना, बहुत ही इलेबोरेट ये हुआ करता था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, देखेंगे इसके बारे में। तो हम दोस्तों चर्चा करते हैं गांधार स्टाइल जो है एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है, और खासकर जो कुषाणों का पीरियड था उसमें कनिष्क वगैरह उस समय ये डेवलप हुआ था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे गांधार स्टाइल को। गांधार स्टाइल की बात करेंगे तो ये जो है कनिष्क के शासन में, ड्यूरिंग रेन ऑफ, ये डेवलप हुआ रेन ऑफ कनिष्क के शासन में ये काफी फला फूला, और गौतम बुद्धा की वही मूर्तियां बननी शुरू हो गई। इंडियन और ग्रीक स्टाइल का ये मिश्रण है, गांधार शैली कुछ नहीं है, इंडियन स्टाइल और ग्रीक स्टाइल का मिश्रण है, इंडियन और ग्रीक स्टाइल का ये मिश्रण है। इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर था, आर्ट उस समय जैसे मूर्तियां बनाते थे और ग्रीकों का जो मूर्ति बनता था उसी का मिश्रण जो है ये गांधार स्टाइल हुआ करता था, ठीक है, गांधार स्टाइल हुआ करता था। चीफ पैटर्न इस स्टाइल की बात करें कि कौन कौन से शासक इसके पैटर्न थे, मतलब इसको जो है संरक्षण दे रखा था, तो चीफ पैटर्न्स में नंबर वन शक आते थे इसमें, सकाज, फिर ऑफ कोर्स इसमें कुषाण तो आते ही थे, कुषाण शक वगैरह इसमें जो है इसके चीफ पैटर्न हुआ करते थे कुषाण शक। और यहाँ पे जो जिस तरीके की आर्ट होती थी, बेसिकली दे यूज्ड ब्लूइश ग्रे एंड ग्रे सैंडस्टोन फॉर स्कल्पचर। सो इसमें क्या होता था, ब्लूइश
ब्लूइश कह सकते हैं इसको, ग्रे एंड ग्रे सैंडस्टोन यूज हुआ इसमें, सैंडस्टोन यूज हुआ फॉर स्कल्पचर, फॉर स्कल्पचर क्या यूज हुआ इसमें, ब्लूइश ग्रे एंड ग्रे सैंडस्टोन यूज हुआ इसमें फॉर स्कल्पचर। तो गांधार स्टाइल ऑफ जो ये शैली है ये काफी फेमस, इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की और ग्रीक की ये मिश्रण थी। ठीक है, हम बात करते हैं अब अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा सुंग डायनेस्टी के बारे में। सुंग डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मौर्य डायनेस्टी खत्म हुई थी तो सुंग डायनेस्टी आई थी, उसका जो फाउंडर था वो पुष्यमित्र सुंग था, पुष्यमित्र सुंग था। मौर्यों के आखिरी शासक को मार के, ठीक है, जो है पुष्यमित्र सिंह जो कि खुद इनका कमांडर हुआ करता था मौर्यों का, इसने जो है सुंग डायनेस्टी की नींव रख दी, सुंग डायनेस्टी की नींव रख दी। ठीक है, तो सुंग डायनेस्टी की बात करेंगे, सुंग डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसका फाउंडर ऑफ कोर्स मैंने बताया कि जब आखिरी समय चल रहा था मौर्यों का तो उस समय वो सुंग डायनेस्टी का जो पुष्यमित्र सुंग था कमांडर था उन्हीं का, और उसको अपॉर्चुनिटी दिखी और उसने आखिरी किंग को मार के फाउंड कर दिया सुंग डायनेस्टी का। तो पुष्यमित्र सुंग जो था इसका फाउंडर था, पुष्यमित्र सुंग जो था इसका फाउंडर था सुंग डायनेस्टी का, सुंग डायनेस्टी का ये फाउंडर था। और इसने जो है जो सो कॉल्ड अशोक की धम्म नीति और बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे, खासकर अशोक और अशोक के बाद उनके नाती दशरथ वगैरह, उसको बिल्कुल खत्म किया और फिर से ब्राह्मणिज्म का राइज कराया। ब्राह्मणिज्म, खुद भी ब्राह्मण था तो ब्राह्मणिज्म का राइज इसने करवाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने बुद्ध और उसके जो धर्म थी बौद्ध धर्म उसको बिल्कुल डिक्लाइन करवाया, ऐसा नहीं है, बट इन जनरल सपोर्ट करता था ब्राह्मणिज्म को। तो खुद भी एक ब्राह्मण था, भारद्वाज गोत्र का था ये, ठीक है, भारद्वाज गोत्र का था, खुद भी ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणिज्म का राइज करवाया इसने। पतंजलि जो थे जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर काफी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, पतंजलि योग आयुर्वेदा के ऊपर, ठीक है, तो पतंजलि जो थे इसी के दरबार में थे, पतंजलि जो थे इसी के पुष्यमित्र सुंग के जो है पुरोहित थे। आखिरी किंग जो था सुंग डायनेस्टी का, आखिरी किंग जो था वो देवभूति था, देवभूति जो है आखिरी किंग था, लास्ट किंग था, ठीक है, लास्ट किंग था, ठीक है। एंड पुष्यमित्र सुंग की जो है ना एक अयोध्या इंक्रिप्शन है जहां से हमें पता चलता है, कि इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो कितना बड़ा ब्राह्मण था ये भी बताता है अयोध्या इंक्रिप्शन ये हमें बताता है कि पुष्यमित्र सुंग ने जो है दो अश्वमेध यज्ञ यजना करवाए थे, ठीक है, दो अश्वमेध जो है यज्ञ इसने करवाए थे। तो ये जो है सुंग डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली डायनेस्टी को देखेंगे। हम कुषाण डायनेस्टी पे आएंगे, कुषाणों पे आएंगे जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग शासक कनिष्क था। कनिष्क जो है खुद बौद्ध भी था और इसी के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी
और वो बौद्ध संगीति इसलिए फेमस हुई क्योंकि जो बुद्धिज्म था उसका दो भागों में बंटना वहां पे क्लियर हो गया था और बट भी गया था, जिसे हम कहते हैं महायान और हीनयान। और ये जो संगति हुई थी ये कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी इसी के समय में। तो ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? तो ये कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करता था। कुषाणों की खास बात ये थी कि भारत में पहली बार जो है कोई रेगुलर जो कोई गोल्ड कॉइन इशू करता था तो वो कुषाण ही थे। वैसे तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू करने वाले जो थे वो इंडो ग्रीक थे, बट लगातार जो इशू करने लग गए लगातार और अच्छी क्वालिटी के वो कुषाण ही थे। तो कजुल कडफिसस का नाम आता है, ये जो था ये फाउंडर था कजुल कडफिसस, और बीमा कडफिसस दो का नाम आता है। कजुल कडफिसस जो था ये फाउंडर माना जाता है। इसने जो है ओनली कॉपर क्वाइंस इशू किए थे, इसके समय तक गोल्ड क्वाइन इशू नहीं होता था, तो ओनली इसने कॉपर के क्वाइंस इशू किए थे, कॉपर के क्वाइंस ओनली इसने इशू किए थे। और धर्माथिदास एंड धर्मा थिट ये जो है इस पे लिखा जाता था, इन कॉपर के क्वाइंस पे धर्मा धर्मा थिदास और धर्मा धर्मा थिट लिखा गया था। इन पे जनरली जो कॉपर के क्वाइंस थे तो उसमें धर्मा थिदास और धर्मा थिट लिखा गया था। फिर आता है बीमा कडफिसस, बीमा कडफिसस। तो बीमा कडफिसस की माने तो इसने जो है गोल्ड और कॉपर दोनों तरीके के क्वाइंस इशू करना शुरू कर दिया। गोल्ड भी इसने इशू किया और साथ में कॉपर भी चलता रहा। तो कॉपर और गोल्ड दोनों क्वाइंस जो है बीमा कडफिसस ने शुरू कर दिया इशू करना। और इसके क्वाइंस पे जो है शिव का इमेज बनना, मतलब इंस्क्राइब करना, ठीक है, सेब जो है त्रिशूल नंदी वगैरह, त्रिशूल नंदी, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो है शिव त्रिशूल नंदी दिखाता है कि जो अर्ली जो कुषाण डायनेस्टी के लोग थे जैसे बीमा कडफिसस और कजुल कडफिसस, ये लोग जो है बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। ये तो कुषाण डायनेस्टी में जब कनिष्क आता है तो खुद भी बौद्ध बनता है और बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार होता है। तो कनिष्क की बात करेंगे, सीधे आएंगे कनिष्क पे, सबसे इंपॉर्टेंट शासक है, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं कनिष्क के बारे में। अब कुषाण डायनेस्टी में पीरियड आ जाता है कनिष्क का, जो कि सबसे महान शासक था कुषाण डायनेस्टी का। कनिष्क सबसे महान शासक था कनिष्क। तो कनिष्क जो था ये इसके कोर्ट में पूछा जाता है कि कौन सा बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का मानने वाला व्यक्ति था, तो वो था दोस्तों नगार्जुन। इसके कोर्ट में नगार्जुन था, पार्श्वा था, चरक जो कि एक बहुत बड़े चरक संहिता के रचयिता हैं और उस समय के आयुर्वेद और मेडिसिन के फील्ड के ज्ञाता थे, बहुत बड़े मतलब मेडिकल फील्ड के ज्ञाता थे। तो चरक हो गए, परसवा हो गए और नगार्जुन, नगार्जुन एक बहुत बड़े बौद्ध थे, चरक एक बहुत बड़े मेडिसिन के ज्ञाता थे उस समय, ट्रेडिशनल जो मेडिसिन हुआ करती थी। इसके अलावा जो परसवा भी इसके कोर्ट में हुआ करते थे, परसवा। इसके अलावा क्वाइंस जो है इसके समय में, क्वाइंस जो है इसके समय में उस पे बुद्ध की प्रतिमा बनने लग गई, मार्किंग ऑफ बुद्ध बनने लग गया क्वाइंस पे, मार्किंग ऑफ बुद्धा जो है बनने लग गया इसके क्वाइंस पे। एंड रॉयल पैटर्न है जिसे इसने वसुमित्र को दिया था, रॉयल पैट्रनेज जो इसने वसुमित्र को दे रखा था, वसुमित्र को दे रखा था। राज कवि इसके अश्वघोष थे, अगेन बहुत बड़े जो है ये अश्वघोष जो है बहुत बड़े बुद्ध थे, तो राज कवि भी, राइटर भी थे ये राज कवि।
राज कवि थे अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचयिता थे अशोक। आपको पता है ना कि बुद्ध चरित्र एक बहुत बड़ी रचना थी उस समय की, उसके रचयिता थे अशोक घोष, जो कि राजकवि थे कनिष्क के, जो कि राजकवि थे कनिष्क के। तो कनिष्क के बारे में इतनी जानकारी अच्छी है, बहुत है। अब आएंगे हम सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसके फाउंडर जो था, एक्चुअल कैपिटल जो था इसका पैठान, या फिर जिसे हम प्रति शांत पूरी भी, प्रति स्थान पूरी भी कहते, पैठान, जिसका एक्चुअल कैपिटल कहां पे था, एक्चुअल कैपिटल इसका कहां पे था, इसका कैपिटल था पैठान, या फिर पैठान, या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों प्रति स्थान पूरी, प्रति स्थान पूरी, ठीक है, इसका कैपिटल था एक्चुअल कैपिटल जो कहते हैं। इसके अलावा जो है इनिशियल कैपिटल इसका जो था अमरावती था, शुरू में इनिशियल कैपिटल जो था इसका अमरावती था। अमरावती आपको पता ही है कि साउथ में पड़ता अमरावती था, आंध्रा वाले रीजन में, ठीक है, और इसी रीजन में यह सातवाहन डायनेस्टी फैली थी। और जो सतकर्णी था, सतकर्णी वर्ण, वो फर्स्ट सातवाहन किंग था जिसने सतकर्णी टाइटल लगाई थी। सतकर्णी वर्ण जो था ये फर्स्ट था जिसने, फर्स्ट सातवाहनों का किंग था जिसने सतकर्णी टाइटल लगाई थी, टाइटल लगाई थी सतकर्णी, ठीक है, सतकर्णी। इसके बाद आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन किंगों की एक खास बात ये थी दोस्तों कि ये जो थे अपनी माता का नाम पहले लगाते थे, जैसे कि सतकर्णी जो थे ये गौतमी पुत्र थे, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इनको कहा जाता था। तो इनके शासकों की खास बात यही थी कि माता का नाम पहले लगाते थे। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हुए, इन्होंने रीस्टेब्लिश किया फ्रेगमेंटिंग चतुर वर्या वर्ण सिस्टम को, अगेन जो है वर्ण सिस्टम को मजबूत किया इन्होंने, रीस्टेब्लिश किया। ठीक है, किसने किया, गौतमी बुद्ध सतकर्णी। हम जानते थे कि वर्ण सिस्टम चल रहा था लेकिन बुद्धिज्म आया, तमाम चीजें हुई तो थोड़ा सा डाउन हो गया वर्ण सिस्टम। तो इन्होंने देखा कि खुद भी ये मतलब वही थे, ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करते थे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया, रीस्टेब्लिश कर दिया वर्ण सिस्टम को, जो कि चतुर वर्या सिस्टम था। चतुर्वर्या में मतलब कि जो ब्राह्मण है वो मुख से है, जो क्षत्रिय है वो कंधों से है, बाजुओं से है, और जो वैश्य है वो जंघाओं से है, और शूद्र जो है वो नाखूनों से और पैरों से है। तो इस सिस्टम को चतुर्वर्या सिस्टम भी कहा जाता है, वर्ण सिस्टम को चतुर्वर्या। और ये लाइट गई है, होल्ड करेंगे क्लास को यहीं पर। तो दोस्तों ये वर्ण सिस्टम को रीस्टेब्लिश किया इन्होंने, जिसे चतुर वर्या कहते हैं। इसके अलावा गौतमी पुत्र सतकर्णी की ही अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा के, और गौतमी पुत्र सतकर्णी के ही कुछ और अचीवमेंट और उनको क्या क्या कहा गया है वो सब की बात करें, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को प्रोटेक्टर ऑफ वेदाज भी कहा जाता है। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को
प्रोटेक्टर ऑफ वेदाज भी कहा गया है, साथ में इनको जो है इनको कहा गया है प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, प्रोटेक्टर ऑफ वेदाज, एंड टाइटल इनको दिया गया है अद्वितीय ब्राह्मण का, अद्वितीय ब्राह्मण का भी टाइटल इनको दिया गया है। ये टाइटल दिया गया है किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को, बहुत बड़े ब्राह्मण थे। प्रोटेक्टर ऑफ वेदा, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम भी कहा गया है। तो दोस्तों पोस्ट मौर्यन पीरियड में इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त पीरियड और पोस्ट गुप्त पीरियड की चर्चा करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।